ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम tradingfab.in। आज भी निफ्टी ने ऊपरी लेवल पे एक रेजिस्टेंस फेस किया और लास्ट के कुछ घंटे बचे थे तभी एक जबरदस्त करेक्शन हमें निफ्टी इंडेक्स में आता हुआ दिखा। सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 15,242 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 15,144। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं 5 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। आज निफ्टी इंडेक्स कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा था। निफ्टी ने एग्जैक्ट ब्रेकआउट लेवल के पास आज यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया और जैसे ही इस लेवल को इसने एच हुआ तो ये टूवर्ड साउथ की तरफ आया और ब्रेकडाउन लेवल को ब्रेक करने के बाद फर्स्ट टारगेट 15,121 ये यहाँ पर अचीव हुआ, सेकेंड टारगेट 15,097 ये भी यहाँ पर अचीव हुआ। एग्जैक्ट इसी लेवल के पास इसने सपोर्ट टेस्ट करके एक बाउंस बैक दिखाया। तो प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 24 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था। 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 18,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। अभी मंडे को यानी 15 फेब को क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकती है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के एनालिसिस करते हैं, मंडे के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ये 5 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी का। जैसे कि यहाँ पर भी हमने फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट कल आइडेंटिफाई किए थे, आज यहाँ पर अचीव हो गए। तो एक बार इसका डेली चार्ट देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है डेली चार्ट, यानी एक कैंडल एक दिन का हाई लो क्लोज हमें प्रेजेंट कर रहा है। तो हमने यहाँ पर देखा है एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। निफ्टी इंडेक्स जो ये लो है ये इस कैंडल का और इस कैंडल का हाई है, इसने अभी तक 5 दिन हो चुके हैं इस कैंडल का हाई भी ब्रेक नहीं किया है ना फिर लो ब्रेक किया है, इसके नीचे आके क्लोज नहीं हुआ है ना ही इस लेवल के ऊपर आके क्लोज हुआ है। तो एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करेगा तो हमें आने वाले ट्रेंड के बारे में कंफर्मेशन मिलेगा और तभी हम ओवरनाइट पोजिशन बैंक निफ्टी में बना सकते हैं। तो फिलहाल डेली चार्ट के अकॉर्डिंग एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग हमें यहाँ पर बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। अभी इंट्राडे लेवल्स क्या हो सकती है इसको आइडेंटिफाई करेंगे, इसके लिए 60 मिनट का चार्ट यूज़ करेंगे। निफ्टी इंडेक्स अगर ऑल टाइम जहाँ पर इसने हाईएस्ट क्लोजिंग लेवल बनाया है यानी अराउंड 36,358 के आसपास, राउंड फिगर कर देते हैं इसे, यानी अराउंड 36,375 के ऊपर अगर सस्टेन करता है मंडे को तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 36,476, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा ऑल टाइम हाई लेवल यानी 36,618, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स अगर टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो आप देख सकते हैं आर्ली चार्ट में यहाँ पर इसने जब ये टूवर्ड साउथ की तरफ आ रहा था तो 20 EMA का इसने सपोर्ट टेस्ट किया हुआ है। तो 20 EMA को कम्प्लीटली ब्रेक करने दीजिए यानी अराउंड 35,945 के नीचे निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स चला जाता है तो ये इंट्राडे के लिए यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 35,849, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा 35,762, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो ये है बैंक निफ्टी के लेवल्स इंट्राडे लेवल्स मंडे के लिए। चलते निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट को देख लेते हैं क्योंकि वीक खत्म हो गया है, वीकली चार्ट भी देखना काफ़ी ज़रूरी होता है। लास्ट वीक हमने यहाँ पर पीवट बार रिवर्सल पैटर्न को आइडेंटिफाई किया था, यानी एक डाउनफॉल के बाद एक ग्रीन कैंडल जब बनता है
और उसका हाई लो और क्लोज प्रीवियस कैंडल के हाई लो और क्लोज से ऊपर होता है, तभी यहाँ पर पीवट बार रिवर्सल पैटर्न बनता है, जो कि ट्रेंड रिवर्सल बुलिश ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न होता है। यहाँ पर भी सेम पैटर्न देखने को मिला हमें, यहाँ पर देखिए इसके बाद ज़बरदस्त एक अपसाइड मूव, और अभी ये फिर से एक बार इसने पीवट बार रिवर्सल पैटर्न बनाया। लेकिन ये कैंडल जो बना है ये बजट का कैंडल है, इसका साइज देखे, और दिस वीक ये वीक यहाँ पर जो कैंडल बना है इसका साइज देखिए। अगर मैं यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ करूँ लास्ट स्विंग हाई लो को पकड़ के, तो इस वीक इसने 50% का लेवल यहाँ पर अचीव कर लिया। अभी नेक्स्ट वीक अगर ये इस वीक का हाई अगर ब्रेक करता है 15,250 के पास, दो बार इसने रेजिस्टेंस फेस किया, तो इस वीक के हाई के ऊपर अगर नेक्स्ट वीक ये सस्टेन करता है आर्ली चार्ट में, तो हमें 15,585 के लेवल्स निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है कि आरएसआई को अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, लास्ट वीक जो फ्राइडे का वीडियो था उसमें भी हमने यह डिस्कस किया था, यहाँ पर देख सकते हैं प्राइस एक्शन में हायर हाइज बन रहे, यानी प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया प्राइस एक्शन ने, लेकिन आरएसआई ने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पर डाइवर्जेंस है, नेगेटिव डाइवर्जेंस, जब हायर हाइज बनते हैं तभी आरएसआई में भी अगर हायर हाइज बनते हैं, हायर बॉटम्स बनते हैं, तो ये रैली सस्टेनेबल है ऐसा कहा जाता है। ये प्रोबेबिलिटी है ऐसा ही होगा ये कहा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर आरएसआई यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन प्राइस एक्शन में हमें हायर हाइज देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर कैंडल देखें तो प्रीवियस वीक के कैंडल से काफ़ी छोटा कैंडल बना है, तो हो सकता है 50 और 61.8% के लेवल्स ऐसे होते हैं जहां से हमें ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलता है। तो यहां पर वेट एंड वॉच करना होगा, जब तक हाई को ब्रेक नहीं करता तब तक यहां से फिर से एक बार लॉन्ग पोजीशन बनाना दिक्कत भरा हो सकता है। तो ये वीकली चार्ट का सिनेरियो, अभी चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, इंट्राडे लेवल्स क्या हो सकती है मंडे के लिए उसको आइडेंटिफाई करेंगे। आज जो हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था मंडे के लिए भी एग्जैक्ट वही हमारा ब्रेकआउट लेवल हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर एग्जैक्ट दो बार अभी ये देख सकते हैं आप, 3 दिनों पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया था, फिर से एक बार आज रेजिस्टेंस फेस किया है, तो 15,242 को अगर ब्रेक करता है तो वही मंडे के लिए हम यहाँ पर इंट्राडे के लिए बाय पोजिशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 15,263, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 15,287, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। ये सब बैंक निफ्टी में हमने देखा, आर्ली चार्ट में 20 EMA को रिस्पेक्ट किया था, इसके एज ए सपोर्ट ही यहाँ पर टेस्ट हुआ और ऊपर आकर क्लोज हुआ बैंक निफ्टी। उसी तरह निफ्टी इंडेक्स में भी 20 EMA को ये रिस्पेक्ट दे रहा है, तो जैसे ही 20 EMA को अगर मंडे को ये ब्रेक करता है टूवर्ड साउथ की तरफ, यानी 15,133 हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा, इसको अगर ब्रेक करता है टूवर्ड साउथ की तरफ, तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 15,115, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 15,095, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये मंडे के लिए इंट्राडे लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। इंट्राडे प्रीमियम चैनल्स की जो लिंक्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पर हम इंट्राडे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपके साथ शेयर करते हैं लाइव मार्केट में, आप एब्सोल्युटली फ्री है, ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।